जंगल में गौरी अपने बेटे जग्गू के साथ रहा करती थी। गौरी खुद तो ऐसी ही थी, कालू के साथ रह रह के बन गई थी बहुत ही चालाक, मक्कार और लड़ाकी। उसके साथ साथ ही उसका बेटा भी ऐसा ही बन गया था। उसका बेटा हर किसी को तंग करता। उसके बेटे की सबसे बुरी आदत ये थी कि वो तंग करता था, बहुत शरारतें करता था। उसकी मामा और पापा यानी कालू कौवा और गौरी कौवी उसे बिल्कुल भी मना नहीं करते थे, मगर बल्कि उसकी हौसला अफजाई करते थे ताकि वो इन कामों में और भरपूर शरीक हो। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि इसका अंजाम आखिर में क्या होने वाला है। एक दिन जग्गू अकेला था, उसे सोच में था कि वो किसके शरारत सूझ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने देखा कि एक चिड़िया अपना खाना खा रही है, तो उसने सोचा कि वो इसको ही तंग करेगा, तंग करके फौरन ही भाग जाएगा जैसे ही उसका वो खाना ख़राब करेगा। तो उसने ऐसा फ़ैसला किया और ऐसा ही किया। वो फौरन चिड़िया के पास गया तो चिड़िया खाना खा रही थी, तो उसने फौरन उसका वो गिरा दिया और फौरन वहाँ से चला गया और घर जाकर अपनी मामा से बहुत झूठ बोला और रो रो कर अपनी मामा से और पापा से कहा, मामा मामा, मैं तो बहुत ही आराम से खेल रहा था। गलती से मैं आपके पास अपने घर आ रहा था कि अचानक से टूनी चिड़िया आंटी खाना खा रही थी, तो गलती से मेरा उनको पर लगा और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन्हें लगा कि ये मैंने ही किया है। अम्मी जान मुझे बचा ले, वो मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगी। मैं आपके पास भाग आया हूँ। क्या? नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो तुम्हें तो हाथ तक नहीं लगाएगी। वो अपने आप को समझती क्या है मेरे बेटे? अगर आएगा के बाद किसी ने कोई हाथ लगाया तुम्हें, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आने दो उसे। अभी उसने ये कहा ही था कि वहाँ अचानक टूनी चिड़िया आ गई और उसने कहा, अरे गौरी बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बेटा क्या कांड कर कर आया है? मैं खाना खा रही थी और इसने मेरा सारा खाना गिरा दिया है। क्या उसे नहीं पता कि इस तरह नहीं करते बड़ों के साथ, और जब कोई खाना खा रहा हो तो बिल्कुल भी नहीं? तुमने तो अपने बेटे को तरबियत ही नहीं सिखाई है। कम अज़ कम थोड़ी अच्छी तरबियत करते तो शायद आज तुम अपने बेटे की हमेशा हर किसी के मुँह से तारीफें सुनती। अरे बहन, ज़्यादा बनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, समझ आई? मैंने जो तबीयत की है बहुत अच्छी की है, और तुमसे ज़्यादा अच्छी गई है। और तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम कुछ भी कहो। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, वो तो गलती से जा रहा था, वो तो मेरे पास आ रहा था। मैं उसकी मामा हूँ, जाहिर सी बात है मेरे पास ही आएगा, और वो गलती से लग गया, समझ आई तुम्हें? और बिना तहकीक किए तुम इस पर शिकायतें लगाने नहीं आ सकती। आइंदा के बाद अगर तुमने मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तुम जान लो, सोच लो, और मेरे बेटे के कहने के बारे में पहले 100 दफ़ा सोचना, समझ आई तुम्हें? फिर वो वहाँ से गुस्से से चली गई। कुछ दिनों बाद उसने फिर शरारत करने का सोचा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी के साथ शरारत करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसके साथ करूं। सब शिकायतें लगा चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ चील ही आंटी रह गई है। अब मैं उनके साथ कुछ कर भी तो नहीं सकता हूं, वरना वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेंगी। ये ना हो कि मेरा पर भी तोड़ दें, और अगर पर तोड़ दें तो मैं तो घर जाने के लायक भी नहीं रहूँगा। चलो वैसे ही करता हूँ। फिर उसने यही करने का सोचा और ऐसा ही किया। वो फौरन चील के पास गया। चील आपस में अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो फौरन आया और चील को बहुत ही ज़ोर से धक्का मारकर उसके सर पर मारकर चला गया। उसे ये नहीं पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी।
वो फौरन अपने घर नहीं गया बल्कि एक जगह पे गया और वहाँ पे जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि उसने आज चील को चकमा दिया है। मगर ऐसा तो था ही नहीं, वो बस अभी ये सोच ही रहा था कि वहाँ चील आ गई और उसने उसे इतनी ज़ोर से मारा कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और उसके पर टूट गए और इस तरह उसे उसके किए की सज़ा मिल गई। नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे।